क्लास टेन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स चैप्टर 14, आज पार्ट 6 है। दैनिक सारणी की मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय दर्शाता है, और इसका दैनिक व्यय रुपयों में है और परिवारों की संख्या 100 से 150 में 4 तक, 150 से 200 में 5, 200 से 250, 250 में 12, 250 से 300 में है 2, और 300 350 में 2 है परिवारों की संख्या। अब कहता है ये या उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात करना, मतलब ये इतना सारणी ऐसे हमें माध्य ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 6 है और ये पार्ट 6, अब हम चलते हैं सॉल्व करने। अब क्वेश्चन हमारा 6 और पार्ट 6 है। अब जैसे है दैनिक व्यय रुपयों में, इसका हम जैसे हम वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल, उसका दूसरा हम बनाते थे परिवारों की संख्या या फ्रीक्वेंसी एफ आई, एक्स आई लिखें, उसके बाद एफ आई और एक्स आई, ये हमारा बन गया। अब हमारा जो था एक सौ से 150, इसमें हमारा 4, डेढ़ सौ से 200 में 5, 200 से 250 में 12, और 250 से 300 में 2, और 300 से 350 में है हमारा 2। अब एक्स आई निकालना है दोनों के बीच का, तो 125 इसका हो गया, और इसका हो गया 175, इसका हो गया 225, 275, 325। अब एफ आई और एक्स आई, तो 125 इंटू 4 या 500, और इसके बाद 175 इंटू 5 हो गया हमारा 875, उसका 225 इंटू 12 इसका हो गया 2700, उसका 275 इंटू 2 हो गया इसका हो जाएगा 550, और 325 इंटू 2 हो गया आपका 650। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर हो जाएगा, सिग्मा काम पहले बताए थे जोड़ होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सभी का जोड़ होगा 5275, और इन सब का दिया था सिग्मा एफ आई बराबर था 25 परिवार। अब हमारा जो बोला था क्या माध्य, तो माध्य एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई 5275 25 बराबर 211। और इसलिए अब अतः माध्य व्यय बराबर 211 रुपीज़।